गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ एक न्यू यूनमिन स्टोरी लेके। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है माय साइको अब्यूसिव हस्बैंड। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक मैरिज हो रही है और जिसमें एक कपल है जो आइल पे खड़ा हुआ है और स्टेज पे और प्रेस्ट उनकी वेडिंग अनाउंस कर देते हैं। और जो एक पर्सन है और वो जो प्रेस्ट होता है वो उनको कहते हैं कि अब आप किस कर सकते हैं। तो उसमें से जो टॉप होता है वो फौरन ही अपने बॉटम को एक रफ पुल से खींचते अपनी तरफ। उसके वेस्ट पे उन्हें बहुत जोर से अपना हाथ क्रैप करता है और उसके लिप्स पे एक रफ किस करता है जिससे उसकी ना हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है उसके लिप्स से। और वो जो टॉप होता है वो उसके लिप्स को लिक करता है और फिर ना उसके तरफ स्मर्क से देखते हैं, डार्क स्मर्क से, जिससे जो बॉटम होता है वो थोड़ा डर जाता है। और अब हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन, कुछ दिन पहले का, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ एक मीटिंग हो रही है मिस्टर पार्क और मिस्टर मिन की। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो मिस्टर पार्क हैं वो हैं नंबर टॉप नंबर थ्री कंपनी के सीईओ, और जो मिस्टर मिन हैं वो हैं टॉप नंबर टू कंपनी के सीईओ। और जो उनका और जो टॉप पे है वो है नंबर वन सीईओ मिनयोंगी, मतलब एमवाई कॉर्पोरेशंस का सीईओ, जो कि काफ़ी टाइम से 7 ईयर्स से है टॉप पे और उसकी एज सिर्फ 25 है। और वो काफ़ी टाइम से है टॉप पे और जिसको जो कि बहुत ही रेयर बात है। और जो उसके फादर है मिस्टर मिन, उनकी अपनी अलग कंपनी है जो कि टॉप नंबर टू पे आती है। और मिस्टर मिन है मिस्टर वो है पार्क, उनकी नंबर थ्री पे आती है। वो भी कंपनी के काफ़ी, उनकी भी कंपनी के शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी उनकी कंपनी है। तो अब हम देखते हैं कि उन दोनों की एक मीटिंग हो रही है उनकी आपस की, एक जैसे वो नहीं होती ऑफिस की मीटिंग हो रही। तो उसमें जैसे मिस्टर पार्क एक फाइल देखते हैं तो उनके पास वो फाइल नहीं होती, एक्चुअली वो उनके पास ही थी वो फाइल और वो लाना भूल गए। तो फिर ना वो थोड़ा टेंस हो जाते हैं और मिस्टर मिन से कहते हैं कि ना बस आप मुझे सिर्फ हाफ आवर दे सकते हैं, अभी यहाँ फाइल आ जाएगी। तो फिर ना वो सर हमें ला देते हैं मिस्टर मिन, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ना ये मसला जान के नहीं हुआ, ये गलती से हुआ। तो वो टाइम देते कहते हैं ठीक है आपको हम दे रहे हैं, आप बस जल्दी कीजिए। तो फिर ना वो जो मिस्टर पार्क होते हैं उसमें सर जाते कहते हैं। और फिर वो ना मीटिंग रूम से थोड़ा साइड पे जाते हैं एक कॉर्नर में जाके और अपने ना और अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जिमिन है घर पे। मिसेस पार्क कहती है कि नहीं हाँ अभी आया है कॉलेज से। तो फिर कहते हैं ठीक है उसको ना वो जो मेरे एक ना मेरे ना ऑफिस रूम में जब वहाँ ना एक ब्लू एक रेड फाइल होगी वो दोनों फाइल्स जल्दी से ना जिमिन को कह दो कि ना यहाँ मिस मेरी कंपनी में आके जल्दी से दे जाए, मैं अपने मीटिंग रूम में मैं वो फाइल भूल गई, मुझे अर्जेंट चाहिए, हमारी मीटिंग हो रही है। तो फिर ना मिसेस पार्क कहते हैं ओके ठीक है मैं कह देती हूँ जिमिन को। तो फिर ना जो वो होते हैं मिस्टर पार्क कहते हैं ठीक है जल्दी उसे कहा वो जल्दी से आए। तो फिर ना वो मिसेस मार्क भी कहती है ओके ओके। तो फिर उसके बाद फिर ना वो कॉल कट करती है और फिर जो मिसेस पार्क होती हैं वो जिमिन को आवाज़ लगाती है और जिमिन कहते हैं यस मॉम। तो फिर कहते हैं कि ना तो वो जिमिन की मॉम सारी बात बता देती है और फिर जिमिन कहते हैं ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो जाता है और फिर ना स्टडी रूम में से वो दोनों फाइल्स उठाते हैं और फिर ना एक स्माइल कहते हैं क्यूट सी स्माइल करते हैं और खुद वो मिरर में देखते हैं और फिर एक और स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से बहुत ही ऐसे खिलखिलाता हुआ चला जाता है जैसे कोई शाइनिंग फ्लावर हो इस तरह, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर उसके बाद वो 15 मिनट्स में ही वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो फिर फ़ौरन अंदर जाते हैं और जो सारा स्टाफ होता है उसको बो करते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये जो मिस्टर पार्क का सन है पार्क जिमिन। तो कोई भी उनको रोकता भी नहीं और फिर जो जिमिन होता है वो नॉक करता है, वो लाइट से नॉक करता है उस पर। तो जो मिस्टर पार्क होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि जिमिन आए तो फिर कहते कि ना कमें। तो फिर जो जिमिन होता है वो अंदर आते हैं और फिर ना सबको एक ना बहुत ही रिस्पेक्टफुल बो करता है और फिर ना जो उसकी फाइल होती है वो जाके ना अपने फादर को देते हैं। सर कहते हैं ये ले डैड आपकी फाइल, वो बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हैं जिससे देखिए ना जो मिस्टर मेन होते हैं वो सिर्फ जो
जिमिन को उसी को ही देख रहे होते हैं और कुछ कहते नहीं है। और फिर ना वो जो मिस्टर पार्क होते कहते हैं थैंक यू सर, ये बोलते हैं जिमिन एक प्यार से स्माइल करते और फिर सब बाकी सबको फिर से बुक करते अपने फादर को भी और फिर वहाँ से चले जाते। और जो मिस्टर मीन होते वो यही सब कुछ देख रहे थे और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे, उल्टा बोल दिया तो कर रहे थे। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं सीन की उनकी मीटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और जो मिस्टर पार्क होते वो बहुत खुश होते क्योंकि उनकी मीटिंग अच्छे से हो गई थी। वो फाइल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि उनमें उनके प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर थी तो वो जिमिन दे गया था। तो फिर अब हम देखते हैं कि जो मिस्टर पार्क होते हैं वो और मिस्टर मीन हाथ मिलाते क्योंकि उनकी ये डील साइन हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश भी होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से ना सब एम्प्लॉयज चले जाते हैं तो फिर ना मिस्टर पार्क जो होते हैं वो जाने लगते हैं और जो मिस्टर मीन होते हैं वो कहते हैं कि ना एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात नहीं हम कर सकते हैं। तो वही ना जो मिस्टर पार्क होते कहते हैं ज़रूर हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं तो मैं पूछने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ यहाँ पे जो मिस्टर पार्क और मिस्टर मीन है ये एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं कह सकते हैं ऐसे। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों अपने केबिन में बैठे और कुछ चिट चैट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो मिस्टर मीन है वो कहते हैं कि ना मुझे तुमसे बातें नहीं थी। तो फिर ना मिस्टर पार्क कहते हैं बोलो। तो फिर ना जो मिस्टर मीन है वो कहते हैं कि ना एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना मेरे बेटे के बारे में। तो वो कहते हैं वो यूंगी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं तुम्हें तो पता है ना उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, उसकी मदर की डेथ के बाद तब से ऐसे हो गए बहुत ज़्यादा कोल्ड। मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा है जो उसको फुली चेंज कर दे, उसकी लाइफ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ बना दे और उसको नॉर्मल लाइफ दे। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क होते हैं उनको कहते नहीं और सिर्फ सुन रहे होते हैं मिस्टर मीन की। तो जो मिस्टर मीन होते हैं वो कहते हैं कि ना एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ना जो तुम्हारा सन है जीवन में ना जिसको देखा वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है और मुझे लगता है कि ना वो मेरे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ वही मेरे बेटे को सुधार सकता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो फिर क्या ये हमारी मैरिज हो सकती है, क्या ये मैरिज होगी और तुम करोगे करो क्या राजी हो इस मैरिज के लिए। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क होते हैं वो कुछ कहते नहीं है और फिर कहते हैं कि ना अच्छा मैं देखूंगा। तो फिर इस तरह बोलते हैं और फिर ना जो मिस्टर मीन होते हैं वो एक छोटी सी सवाल कहते हैं कि कहते हैं थैंक यू बड़ी, वो ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से दोनों हैंडशेक करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मीन वहाँ से चले जाते हैं और जो मिस्टर पार्क होते हैं वो इसी कन्फ्यूजन में बैठ जाते हैं कि ना वो मिस्टर मीन को क्या जवाब दें।